खखरावाला। मैं इतनी खुश होगी, तुम सबके लिए मैंने प्रार्थना भी की। माँ, कोर्ट में अंबावाड़ी का जो केस चल रहा था उसका पहला पड़ाव हम लोग पार कर चुके हैं। भगवान की कृपा से सबके घर तो बच गए, क्यों ना इस जीत की खुशियाँ मनाई जाए। गरबा खेल के? हाँ, हाँ। चलो पार्टी की तैयारी भी करनी है, मैं चलती हूँ। फोन बजा, मैं उठाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, उठाऊं की नहीं। ऊपर से बंसरी भी सर पर बैठी है। बंसरी हमारे साथ कितने दिनों तक रहने वाली है? जब तक उसका मन करे बेचारी। क्या हुआ, किसका फोन है? पता नहीं, रॉन्ग नंबर है शायद। हेलो हेलो, पता नहीं कौन था लेकिन चलिए ना बाहर चलते हैं। हाँ हाँ माँ, मेरा फोन। अरे हाँ, लो बेटी, दोबारा अगर इस रॉन्ग नंबर ने फोन किया ना तो इसकी खैर नहीं। हाँ। अरे दिव्या बहन, दिव्या बहन तुम्हें पर आवी जाओ, मुझे दादाजी को फोन भी करना है। हाँ? चलो। हाँ तुम भी आ जाना बेटा। थैंक गॉड, छवा माँ को पता नहीं चला दिपेन के बारे में। लेकिन अगर पता चल गया तो? नहीं नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं और पता है मासी भी मेरा बहुत ख्याल रखती है। पर आप अपना ख्याल रखना, टाइम पे खाना खाना और टाइम पे दवाई खाना, ठीक है? मैं आपको फिर से फोन लगाऊंगी। पक्का। जय द्वारकाधीश। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लगा तुम्हें मुंबई? अरे पहले मुझे लगा था पता नहीं क्या चीज होगी मुंबई। पर कृष्णा मासी पर यहाँ पर लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें क्या लगा था, कैसे होंगे यहाँ के लोग? एकदम विचित्र, हाई वोल करने वाले, पैसे के पीछे भागने वाले और एकदम से आने लोग। पर मासी यहाँ पर तो बिल्कुल द्वारका जैसे लोग हैं। लोग अच्छे बुरे नहीं होते, हम जैसे होते हैं वैसे हमें लोग दिखते हैं। हाँ ये साचू। ए मासी, मैं झटपट मुंबई देखकर आऊं। हाँ? तुम एक ही दिन में पूरा मुंबई घूम लोगी क्या? हाँ, उसमें क्या है, द्वारकाधीश की कृपा रही तो आज ही अभी ही देख लूंगी। और तुम्हें पता नहीं है मैं एक दिन में 10-10 चक्कर लगाती थी द्वारका के। माँ, हाँ? माँ वो मलाड वालों को 5 किलो खाकर भिजवा दिए। अच्छा किया। आप बहुत बड़ेश्री हो ना, दिन भर बस किताब 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 और बस किताब। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो क्या है कि मेरी MBA की परीक्षा शुरू होने वाली है इसीलिए पढ़ता हूँ। MBA की परीक्षा है? अरे आप लोगों को भूख नहीं लगी है? अरे हाँ, खाना भी तो बनाना है, चल 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 चल। मामा मामा, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैंने सब काम कर दिया, खाना तैयार है। क्या? अरे वाह, कैसी लगी खीर? सरस। तू इतनी बड़ी भी मत हो जा कि तुझे विदा करने का वक्त आ जाए। माँ, आपको बहुत मिस किया। हाँ माँ, तुम्हारे बगैर खाली ये घर ही नहीं पूरी अंबावाड़ी सुनी हो गई थी। पहली बार पता चला कि तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं हमें डांटने वाला और प्यार करने वाला भी। बस बस अब पौडाई डाई बातों ना करो, चलो बैठो। चलो भूख नहीं लग रही है, बैठो। माँ एक बात बोलूं? तो इतनी लंबी यात्रा करके आई भगवान के घर पर और आपके बिना हम सब ने जो कुछ दिनों में घर में अपने मन के भीतर यात्रा की है ना, उससे एक बात पता चल गई कि आपके बिना ऑल ऑफ अस आर जीरो। चल बैठ जा। बस बस बस, अब ये सेंटी सेंटी बातें बंद करो और ये बताओ हमारे लिए गिफ्ट लाई हो या नहीं। हाँ लेकर आई हो ना गिफ्ट। अरे जा जा इलेश, वो बैग लिया ना। हाँ माँ। तुमको पता है कल दिव्या जब माँ को याद करके रो रही थी
तो कृष्णा फौरन वापस आ गई हम सबको लेके। तुम इनके बिना और ये लोग तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। अरे मैं तो बेकार में चिंता कर रही थी, जिसकी तेरी जैसी बेटी हो उससे क्या चिंता। ये लाओ। हाँ लाओ लाओ। हाँ द्वारकाधीश का प्रसाद तुम लोग लो और अंबावाड़ी के लोगों के लिए भी लेकर आई हो लो। हाँ। इसमें बाकी प्रसाद भी है, अंबावाड़ी के लोगों को भी दे देना। हाँ? याद से। और हाँ दिव्या, और तेरे लिए एक स्पेशल गिफ्ट लेकर आई हूँ मैं। स्पेशल गिफ्ट? कौन सी गिफ्ट माँ? बंसरी। चलो चलो खाना खाने बैठो। बंसरी बेटा तुम यहाँ आ जाओ, दिव्या के बाजू में बैठ जा। हाँ एक बात कहूँ, द्वारकाधीश की कृपा से तोहफा तो मुझे भी मिला है, दिव्या जैसी प्यारी बहन, है ना मासी? ये तो माँ की भी माँ निकली। हाँ? भगवान को याद करने में 5 मिनट में 5 बार द्वारकाधीश को याद करती है, ये तो अच्छी बात है। गुड गुड, लगता है डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, हॉटलाइन कनेक्शन। नो अभी होट होट खाना खा ले। हाँ? हाँ? चलने ले बैठ जा। चलो चलो। कृष्णा बहन। हाँ? ये क्या कर रही है आप? अरे आंबावाड़ी के इस खुशी के मौके पर आंबावाड़ी को रोशनी से सजा रही हूँ मैं। अरे आप क्यों तकलीफ ले रही है, आप नीचे उतरिए गिर जाइए खाम खा। अरे 2 मिनट बस हो गया। वाह कृष्णा बहन वाह। मान गए कृष्णा बहन। ये यहाँ नहीं वहाँ। कृष्णा बहन हाँ पार्टी के लिए उंधिया और खांडवी तैयार है। अरे वाह हेमा। अरे हेमा तूने सुना है, जा जा वसे गुजराती त्या त्या सदाकाल फरसान। साची बात। वहाँ रख देना। हाँ ठीक है। वहाँ। अरे सुरेश भाई ये क्या है? खुशबू वहाँ तक आ रही है। अरे आज ही नीलम हो गया। चलो नीलम तू गुजराती साड़ी में बूस्टफुल दिखती हो। आपकी भाषा में कहूँ तो थैंकू कृष्णा बेन वेलकम। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? चल अब ऐसे ऊपर जा। आराम से। बापूजी आप तो बड़े वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में हैंडसम माँ। हाँ हैंडसम लगते हो। अब गरबा खेलेंगे ना? दिख रहा 56 सीढ़ियां चढ़ चुका हूँ, क्या गरबा नहीं खेल सकता? अरे हाँ बिल्कुल। ये क्या इलेश, ये स्टेज अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? अरे माँ तुम तैयार हो जाएगा, तुम नीचे नीचे आओ माँ। माँ सब रेडी हो जाएगा, मैंने वो ट्रेडिशनल गरबा वाले को भी बोल दिया है। इलेश ये ट्रे की क्या जरूरत है? अरे माँ सिंगर्स को बुला लिया, हम सब मिलकर गरबा खेलेंगे आज। हाँ अच्छा ठीक है। अरे मेरी बाकी की नवदुर्गा आई कि नहीं? नहीं आई। चलो मैं तैयार हो जाती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? Oh my God, ये तो कोई गुजराती पिक्चर की हीरोइन लग रही है। आओ बेटा आओ। भाई लगू दादाजी। कैसी लग रही हूँ मैं? बट पड़ जाएगा ना मुंबई में, बोलो बोलो। म्यूजियम से आई हो ऐसी? हाँ? मतलब ड्रेस म्यूजियम से लाई हो वैसी? अरे ये तो हमारे काठियावाड़ के तरनेतर के मेले से लाई हूँ। मुंबई में पहनने के लिए इसको संभाल के रखा था, आज वो इच्छा पूरी हुई।
हे द्वारकानाथ तेरी माया। कैसे भगवान को याद किया? ओहो, इसकी वजह से भगवान को कितनी हिचकी आती होगी। उदय, ऐसे मजाक नहीं उड़ाते, मैं जरा रेडी होकर आती हूँ। हाँ, अरे हेमा नील देख लेना। हाँ, मैं आई। अंबावाड़ी ना भाइयों अने बहनों, आज हम सब के लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन है। ये जमीन अंबावाड़ी, जिस पे हम खेले कूदे रोए, बच्चों को बड़ा किया, हम बड़े हुए, अब ये जमीन अपना घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। अब से ये अंबावाड़ी हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन का हिस्सा बनी रहेगी। तो बोलो अंबे मात की जय। हेलो रे हेलो, गरबा शुरू करो। एक मिनट, अरे हमारे मेन सिंगर्स तो ट्रैफिक में फंस गए, अब क्या करेंगे? बोलो, कितने दिनों के बाद खुशी का मौका आया, उसमें भी ये प्रॉब्लम। अरे वो लोग तो आते ही होंगे, तब तक हम लोग मौज मस्ती मनाते ना, रंग मनाते। सरस्वती चल तू गा। हम? अरे हम वो गाना नहीं गाते। अरे हम गाना गाते हैं ना बाथरूम में, तो नल का पानी भी चला जाता है। अरे नहीं नहीं, फिर गाना मत, मुंबई में पानी की जरूरत है। अब कौन गाएगा? राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। वाह बेटा, कितना प्यारा गाना गाया तुमने। देखो, द्वारका से आई हुई लड़की ने इतने अच्छे से गाना गाया, और अपनी अंबावाड़ी में ऐसा कोई भी नहीं। बापूजी, आप शेरो शायरी सुनाएंगे सबको। चलिए चलिए आइए। शेरो शायरी तो मैं भूल गया हूँ, बचपन में कभी गाता था, वो सुनाता हूँ। हाँ, वही सुना दीजिए बापूजी। तारी आँख नो अफेणी, तारा बोल नो बंधानी, तारा रूप नी पूनम नो पागल एकलो, तारा रूप नी पूनम नो पागल एकलो। अरे वो एंटरटेनमेंट वन वाले आ गए, चले। भाई कितना टाइम लगा दिया आपने। अरे सॉरी, आप लोगों से मैं माफी मांगता हूँ, रास्ते पे इतनी ट्रैफिक थी कि हम लोग फंस गए। अरे सॉरी वोरी छोड़ो और गरबा शुरू करो। Oh,
बापूजी, आप भी वही देख रहे हो जो मैं देख रही हूँ? वाकई इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और अब तो अपना इलेश कमाने भी लगा।